साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अभी हाल फिलहाल में रेल मंत्री की तरफ से एक बयान दिया गया जिसमें ये चीजें क्लियर की गई, अभी रेलवे में कितने पद खाली हैं और आपके आगामी रेलवे में कितनी भर्तियां और हो सकती हैं, इन चीजों को आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो जो हमारे पास खबर है, खबर ये हिंदुस्तान की तरफ से है और इसको आइए स्पष्ट रूप से आपको हम दिखा देते हैं। तो केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद में बताया कि साल 2021 के अंत तक भारतीय रेल में 2.87 लाख से अधिक पद खाली थे। यहाँ पे ये 2021 के अंत तक की बात है, जबकि जून 2022 में संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 2.97 लाख से अधिक हो गई है, आप देख पा रहे होंगे। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि पिछले 3 महीनों के दौरान रेलवे में किसी भी पद को समाप्त नहीं किया गया है। उसके मुताबिक पिछले 3 सालों में 548 राजपत्रित सहित कुल 1,48,220 पदों को भरा भी गया है, 1,48,220 पदों को भरा गया है। भारतीय रेल में क्षेत्रवार और मंडलवार राजपत्रित और गैर राजपत्रित पदों की रिक्त संख्या के बारे में राज्यसभा में एक सवाल के जरिए मांगी गई जानकारी के लिखित जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये आंकड़े दिए। वैष्णव के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक 31 दिसंबर 2021 तक भारतीय रेल में क्षेत्रवार खाली पदों की कुल संख्या 2,87,985 थी। ये दिसंबर 2021 के आंकड़े हैं, जिसमें 1,880 पद राजपत्रित थे और 2,86,105 पद जो हैं वो गैर राजपत्रित थे। आइए थोड़ी और जानकारी ले। इन्होंने बताया कि 30 जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार रिक्त राजपत्रित पदों की संख्या 1,916 और खाली गैर राजपत्रित पदों की संख्या 2,95,684 है। इस प्रकार जून 2022 तक कुल रिक्त पदों की संख्या 2,97,600 है। मतलब अभी आपके पास जो रिक्त पद हैं वो कितने हैं, 2,97,600। स्पष्ट जाने साल 2019, 2020 और 2021 के दौरान और वर्ष 2022 में अब तक रेलवे में भरे गए रिक्त पदों की संख्या से जुड़े एक सवाल के बारे में पूछे जाने पर वैष्णव की ओर से यह संकेत दिए गए कि इन आंकड़ों की अवधि में 548 राजपत्रित पदों को भरा गया है, जबकि 1,47,672 गैर राजपत्रित पदों को भरा गया है। तो ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है कि ये रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी पूरी होते ही हो सकता है आपको रेलवे के और भी बहुत सारे पद देखने को मिलेंगे और 2024 से पहले तो ऐसा पक्का होगा कि रेलवे की वैकेंसी आएगी, क्योंकि आपको पता है चुनाव है और चुनाव से पहले सरकार का ये काम होता है कि कोई ना कोई आपको लॉलीपॉप दिया जाता है जिससे बच्चे अपनी तैयारी लंबे समय के लिए करते हैं। और रेलवे की स्थिति आप सभी जानते हैं, 2019 की वैकेंसी 2022 तक चल रही है। फिलहाल जैसे भी अपडेट हमको मिलती है हम आपको सूचित करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।